हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल। सर्वप्रथम मृकंदे नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में मैं जथा योग्य प्रणाम करता हूँ। तो तुम जाओ उनको ट्रांसलेशन कर दो, तुम पीछे बैठ गया भी आए थे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। बोलो बोलो हिंदी समझते हैं ना। There are no place. I think it's okay. It's not so far away. It's okay. If you make me know it, I go there. Oh, my goodness. Thank you so much. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने आते हैं वो लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। इसलिए साधारण भाग्य से ये भगवत कथा सुनने के लिए कोई नहीं आ सकते हैं। इसलिए कृष्णा विशेष करके दो व्यक्तियों को स्वागत किया है। भागवत में कृष्णा दो व्यक्तियों को स्वागत किए है, एक तो गोपियों को स्वागत की और दूसरे स्वागत की मथुरा के जो द्विज पत्नियां थी उन्होंने उनका स्वागत की। बोले कब उन्होंने स्वागत की? बोले जब भगवान कृष्ण बंसुरी बजाए और बंसुरी की ध्वनि सुन करके गोपियां जो जिस अवस्था में थी, कोई एक आंख में काजल पहनी, अभी दूसरे आंख में पहनने जा रही थी, इतने में कन्हैया बंसुरी बजाए तो वो एक आंख में काजल लगाकर भागते भागते आए। जो श्रृंगार कर रही थी आधा साड़ी पहनी हुई, अभी पूरा साड़ी नहीं पहने। जब कन्हैया की बंसुरी सुने उसने उसी अवस्था में ही आधा साड़ी पहनते हुए और साड़ी घिसड़ते घिसड़ते जा रही और उसी समय गोपियां आ गई। और जो गोपियां श्रृंगार कर रही थी बंसुरी की ध्वनि सुन करके गले के जो हार है ना कमर में पहन लिया और कमर की जो करधन है उन्होंने गले में पहन लिया। बस उसी अवस्था में कृष्ण गोपाल आश्रम में आ गए।
और जो घर में गैया को दोहन कर रही थी वो आधी अवस्था में छोड़ करके आ गई। जो पति की सेवा कर रही थी वो भी बंसी ध्वनि सुनते ही वहीं पर छोड़ दिया उन्होंने। और जो गोपियां बच्चों को दूध पिला रही थी उन्होंने उसी अवस्था में भी छोड़ दिया है। जब उन्होंने सब कुछ छोड़ करके कृष्ण को पास में आए तब कृष्ण कहते हैं स्वागतम ने महाभागा, कहते हैं गोपियां तुम्हें मैं स्वागत करता हूं। बोले क्यों स्वागत करते हैं भगवान? बोले तुम लोग साधारण नहीं हो, तुम लोग महाभागा हो। जितने सारे भाग्यवतियों में तुम सबसे बड़े भाग्यवती हो, क्योंकि तुम लोग ने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए हैं। तुम लोग ने ये रास लीला के लिए तुमने सब त्याग दिए हैं, सब कुछ त्याग दे करके तुम लोग ये रास लीला में आए हो, इसलिए तुम लोगों को हम स्वागत करते हैं। तुम लोग साधारण नहीं, तुम लोग बड़े सौभाग्यवान है। कृष्ण एक बार उनने स्वागत की, उनने दूसरे व्यक्तियों को स्वागत की। बोले कब? बोले कृष्ण जब गैया चराते चराते वृंदावन से मथुरा की ब्रज में आ गए। अभी कृष्ण को अभी किसको ऊपर में कृपा करना है? अभी सखाओं ने कहा कन्हैया आज बड़ी भूख लग रहा है, कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर दे। तो बोले देखो एक काम करो, ये पास में यज्ञ हो रहा है, ये बड़े बड़े ब्राह्मण त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी भट्टाचार्य सबके सब यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, जाओ वहां पर उनको तुम लोग भोजन मांगो। जब सखा लोग भोजन मांगने के लिए गए, बोले यज्ञ के लिए हम यहाँ पर सब खाना पीना यज्ञ के लिए प्रस्तुत किया और कृष्ण को खाना देंगे, खाना बना कुछ नहीं, और उनको बात ही नहीं सुने। वो लोग वापस आ गए, बोले कन्या तेरे नाम सुनते ही तो हमने से कोई बात ही नहीं की। कृष्ण ने कहा एक काम करो, तुम लोग उनको पत्नियों के पास में जाओ। बोले पागल है, जो लोग इतने त्रिवेदी चतुर्वेदी और द्विवेदी इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, जो सारे ग्रंथ शास्त्र को अध्ययन किए हुए हैं, जब कृष्ण कौन है? कहते यज्ञेश्वर है, जो यज्ञ का जो ईश्वर है ये कृष्ण है। जब इतने बड़े बड़े विद्वान लोग जो सारे ग्रंथ वेद उपनिषद जो पुराण पढ़े हुए, जब तुमको खाना नहीं दिया, इस सब स्त्रियां जो अपवित्र रहने वाली जिनकी उपनयन संस्कार नहीं, जो शास्त्र ग्रंथ पढ़ती नहीं, तो वो लोग कैसे तुमको खाना दे देंगे? कृष्ण बोले एक काम करो, तुम लोग जाओ और मेरे नाम बोलना। मेरा केवल नाम बोलना, देखना क्या होता है। अभी कृष्ण बोले सखा लोगों बोले जब कृष्ण बोल रहे हैं चलो हम चलते हैं। जब सचमुच से गए देखा सचमुच से जो ब्राह्मणी की पति है पत्नी है ना, वो कृष्ण कीर्तन कर रही थी। उनको दूर से सुनाई पड़ा कृष्ण कीर्तन कर रही थी। बोले जय जसो महति नंदन ब्रज बर नागर गोकुल जन कान गोपी परायण धन मदन मनोहर काली अदम नाभिधान जसो माति नंदन ब्रज बर नागर गोकुल जन कान आमल हरि नाम अमिया विलास बिपिना पुरंदर नबिना नगर वर बंसी वद न सुबास जय जसो माति नंदन ब्रज बर नागर गोकुलर जन कान। अभी कीर्तन सुने बोले सखा लोग जब कीर्तन सुना, बोले भैया कन्या तो सही होता रहा था, देखो हमारे कन्या की कीर्तन की आवाज आ रही है।
ये ब्राह्मण पत्नी हमारे कन्या का कीर्तन कर रहे हैं। कन्या सही बोल रहा था, उनकी जो पत्नी है ना मेरे भक्त है। तो वो लोग जाकर के बोले दीजो पत्नियों को, बोले हमारे कन्या कृष्ण बलराम पास में आए हुए हैं, उनको भूख लग रहा है, उन्होंने खाना मंगाए। इतना सुनते ही जितने यज्ञ के लिए जो जितने मालपुआ पकवान पिज्जा पास्ता और टफू सारी और जितने बढ़िया बढ़िया सब खाना बनाया था ना, हाँ सब ले करके कृष्ण को खिलाने के लिए दौड़ी। इतने में ये ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, वो यज्ञ के लिए सारी चीज बनी हुई थी, लेकिन ब्राह्मण लोगों ने देखा ये क्या हो रहा है, हम लोग तो कृष्ण का नाम सुनते ही हमने कोई बात नहीं किया, हमारी स्त्रियां वो यज्ञ के लिए जितने सारी सामान को लेकर के ये कहां जा रही हैं। जितने पंडित थे ना अपना चोटी को खड़े करके भगे, बोले कहां जा रहे हो, खबरदार घर से बाहर निकलोगे ना सब टांग तोड़ दूंगा, सब यहां से बाहर मत निकला करो, हैं अगर यहां से निकले तो घर में तुम्हें हम घुसने नहीं दिया करेंगे। उन्होंने बोले तुम्हारी घर में हम आएंगे नहीं, हम तो अब से कन्या के साथ में रहा करेंगे, तेरे घर ही नहीं आएंगे हम, हाँ। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण को पास में आए ना, कृष्ण क्या बोलते हैं, बोले स्वागतम मे महाभागा, कहते हे महाभाग्यवती। क्यों महाभाग्यवती बताई, जिन लोगों ने पंडित लोग जो इतने बड़े बड़े विद्वान लोग जो कृष्ण को जो खाने नहीं दिया और उनका रास्ता जिन लोगों ने रोके, लेकिन अपना बेटा पति सारी बाधाओं को तोड़ते हुए ये लोग कृष्ण सेवा के लिए आए। इसलिए कृष्ण यहाँ शिक्षा देते हैं, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में भगवान की भक्ति में भजन में आते हैं ना, वो साधारण व्यक्ति नहीं, हम लोग सब साधारण व्यक्ति नहीं हो। देखो हल्लाने में कितने लोग हैं, लेकिन आप लोग कितने लोग कथा सुनने के लिए आए हो, जैसे गोपियों ने, जैसे यज्ञ पत्नियों ने सारी बाधाओं को तोड़ करके कृष्ण सेवा के लिए आए हो। आप लोग भी सबेर से काम के लिए गए होंगे ना, सब ऑफिस में आज तो मंडे है, आज पूरा काम होगा, लेकिन आप लोगों ने सारे काम करके हैं अरे घर में आकर के अपना ड्रेस बदला करके स्नान कर भागते भागते आए, जैसे गोपियां जैसे भागते भागते जैसे गोपियां भागते भागते आई, जैसे यज्ञ पत्नियों ने भागते भागते आई, आप यही सबके सब भागते भागते आए हो। इसलिए भगवान कृष्ण उनको क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, हम तुम सबको स्वागत करते हैं, तुम लोग बड़े सौभाग्यवान हो। इसलिए भागवत में भगवान कपिल देव भी अपना माँ को कहते हैं, बोले माँ ये भक्ति कौन कर सकता है, बोले पूर्व जन्म में जिन्होंने सारे पुण्य कर्म कर चुके हैं, सारे तीर्थ में घूम चुके हैं, सारे दान पुण्य कर चुके हैं, सारे यज्ञ कर चुके हैं, सारे तीर्थ में भ्रमण कर चुके हैं, सारे तपस्या कर चुके हैं, वही व्यक्ति मेरी भक्ति में आते हैं। और विशेष करके जो महाप्रभु का लाइन में, महाप्रभु को धारा में जो आए, आप तो आपकी सौभाग्य आपको भी पता नहीं, इतने हम सौभाग्यवान हैं। इसलिए भागवत पढ़ो, एकादश स्कंध में बताए सत्य तृतीय और द्वापर। सत्य युग को कहा जाता है कृत युग है, क्योंकि जो धर्म चार चरण में विद्यमान था सबके सब जीवन धन्य धन्य था। और तृतीय युग में हम कहते ना राम राज्य, राम राज्य में कोई दुखी नहीं थे, वहां पर आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कोई दुख कष्ट नहीं था। इसलिए राज्य कहते अबध, अबध मतलब क्या, जहां पर कोई मर्द नहीं थे, अयोध्या जहां पर कहीं युद्ध नहीं होता था, हाँ। इसलिए जब हम उदाहरण देते हैं ना कि भैया राम राज्य, भगवान राम पशु पक्षियों का बात भी समझते थे, पशु पक्षियों का भी कोई कष्ट नहीं था, इसलिए ऐसे। और जब भगवान कृष्ण आए वो तो पूर्ण ब्रह्म है कृष्ण, हाँ पूर्ण ब्रह्म सनातनम ये कृष्ण है, हाँ। इसलिए
जिसको ब्रह्मा कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण जो कृष्ण है। इसलिए कृष्ण जब राजत्व कर रहे थे धर्म उसी समय में भी चार चरण में विद्यमान था, संपूर्ण धर्म चार चरण में। ये पृथ्वी जब कृष्ण चलते थे ये पृथ्वी इतने प्रसन्न होती थी। सारे अवतार तो खड़ा पहने जूते पहने, लेकिन एक कन्या ऐसे जो नंगे प्यार में घूमे, इसलिए उनका चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी अपना को धन्य मानती थी। हाँ, और उनको जो घास नहीं कभी कृष्ण प्रेम में मानो उनको शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते थे, कभी झरना नहीं कृष्ण प्रेम में जैसे आंखों से आंसू बहती है ना, जैसे पृथ्वी आंसू बहाया करती थी कृष्ण प्रेम में। कृष्ण जब चलते थे पृथ्वी अपना जिह्वा निकाल देती थी, भगवान का चरण मेरे जिह्वा को ऊपर में पड़े। हाँ, इसलिए द्वापर युग। लेकिन ये कलियुग, ये जो कलियुग है ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं है। हाँ, ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं। बोले क्यों? बोले जिस कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, इसलिए हमारे इसलिए हमारे लोचन दास ठाकुर कहते ना के जाबी के जाबी रे भाई भाप सिंधु पार धन काली जोगे रचय तन आबता इसलिए भागवत एकादश स्कंध में आती है सत्य तृतीया द्वापर। ये जू का लोग भी ये कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले कलियुग में महाप्रभु आएंगे, हैं चैतन्य महाप्रभु आएंगे। आकर क्या करेंगे? आकर वो करेंगे क्या चैतन्य महाप्रभु? बोले सब जीव पार है ल प्रेम रे वाता से। कहते कलियुग में महाप्रभु कहते जड़ अंध आतुर अवधि पार है। कहते भवसागर से जब महाप्रभु जीव को उद्धार किया ना, उदाहरण दिया भगवान का नाम, ये हरि नाम ये नाव है। बोले भैया पार होने के लिए कोई पैसा की जरूरत? कोई पैसा की जरूरत नहीं, कोई पैसा की जरूरत नहीं है। आओ और केवल बैठ जाओ उसी नाव में, है अकल बैठ जाओ। बोले भैया सब बैठ जाएंगे? बोले कहते जड़ अंध आतुर, जड़ मतलब होता है जड़, अंध मतलब जिसका आंख नहीं है, लंगड़े जिसका प्यार नहीं, जिसका अंदर में कोई भी गुण नहीं, ये सबके सब प्रेम में पार हो गए। सबके सब महाप्रभु ने सबको उद्धार महाप्रभु ने कर दिया। इसलिए दूसरे दूसरे जो का जो जीव है ये कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि महाप्रभु सबको उनने ब्रज प्रेम दिया है। जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर नारद भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं महाप्रभु वो प्रेम दिया। बोले कोई ज्यादा कोई परिश्रम की? बोले कोई ज्यादा परिश्रम नहीं। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी बात बोल दो बस, बड़ा सबके सब उधार होगी इतनी सी बोल दो तो। हाँ, इसलिए कहते दूसरे दूसरे जीव। और कलियुग में कहते सत्य युग में जो ध्यान के द्वारा जो प्राप्त करते थे, हाँ? कितना दिन ध्यान करते थे? आप लोग पढ़े होंगे 50,000 साल 60,000 साल आप सुने होंगे, बिना खाए बिना पिए कुछ नहीं किए, सर नीचा टांग ऊंचा करके चारी तरफ में आग जला करके इतने कठोर तपस्या करते थे, उसको द्वारा जो जी प्राप्त करता था। बोले तृतीया युग में वहां पर तो हजार वहां पर भी हजार साल यज्ञ करके, यज्ञ के पास में बैठे जो आग की लपेट निकले ना, पास में बैठा नहीं जाता है, हाँ? वहां पर धुआं आग जलती है, उसको पास में बैठ करके कंटिन्यू हजार साल तक यज्ञ करके। द्वापर युग में वहां पर भी 100 साल तक
ठाकुर की अर्चन सेवा पूजा अगुर धूप दीप से पूजा करके जो प्राप्त करते थे, कहते कली युग में केवल हरि कीर्तन के द्वारा, ज्यादा परिश्रम नहीं, केवल हरि कीर्तन के द्वारा बस वो चीज प्राप्त करें। इसलिए कहते देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते, ठाकुर जी हमें ये कली युग में जन्म दो और महाप्रभु का भक्तों का संग दे। इसलिए आप लोग है ना सब सत्य त्रेता द्वापर सब देवता लोग आए सब इसलिए सब देवता लोग आप लोग, आपका सौभाग्य आपको नहीं पता है, जो लोग महाप्रभु की भक्ति लाइन में आए ना, आप लोग बड़े सौभाग्यवान, तभी महाप्रभु का लाइन में हम लोग आए हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हम लोग परसों हम सुन रहे थे राय रामानंद संवाद, हम सुन रहे थे, कुछ याद याद है कुछ लोगों का, तो हमने कथा कहाँ खत्म की थी याद है, मैंने कथा कहाँ खत्म किया था या कौन बोलेगा, जो बोलेगा उसको बढ़िया इनाम देना। मैंने मैंने कथा कहाँ पर खत्म की थी, थोड़ी तो याद होगा ना, बोलो याद है। Somebody is on who's chanting one leg. You Mahaprabhu was going there for prasad, and he told Raya Ramana to come tomorrow. जो उसको अच्छा लगा, जो पहले सुनाया था वो बोला नहीं। अब बताओ तो क्या तुम बोलो। अब बता रहे थे कि सबसे उसके किरण मूल व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग चैतन्य महाप्रभु आस्क what's the most important thing to do, so you went level wise to the most important thing to do and you stopped by why by Hare Krishna. Okay, thank you. Hare Krishna. तुमने पूरा नहीं बोला था, आपने सही बोलेगा तो बढ़िया इनाम देता, लेकिन आपने सही बोले तो बोला है लेकिन पूरा नहीं बोला। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम लोग ये श्रवण कर रहे थे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करते हैं, राय बताओ जीव का लक्ष्य क्या है, ये जीवन का लक्ष्य क्या है, जब उन्होंने पूछे तो उन्होंने वर्णाश्रम धर्म से उन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन महाप्रभु ने बोला नहीं, इससे ये बाहर का वस्तु उसको आगे बोलो। बोले क्यों, बोले वर्णाश्रम धर्म जाजन करने पर जीव कहाँ तक पहुंचेगा, वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग जाएगा, मोहलोक, वहां तक ब्रह्मलोक तक भी जा सकता है। अगर सह जन्म तक कोई वर्णाश्रम दैव वर्णाश्रम कोई जाजन करे, लेकिन वो पहुंच सकता है ब्रह्मलोक तक ही पहुंच सकता है, लेकिन वहां कब तक रहेगा, बोले जब तक उसको पुण्य खत्म नहीं हो जाए, फिर पुण्य खत्म होते ही फिर उसको यहीं पर आकर के फिर उसी संसार का चक्कर में उसको भटकना पड़ेगा। और महाप्रभु बोले भैया ये जीव का परम लक्ष्य नहीं, हाँ तुमने जो बात बताई यहीं से भक्ति अगर कोई करना चाहते हैं पहले एक दैव वर्णाश्रम से प्रारंभ करें, संसार करते हुए अपना वर्ण और अपना आश्रम धर्म को ठीक ठीक से जाजन करते करते धीरे धीरे अंदर में पहुंच सकता है। इसलिए जीवन वैदिक जीवन होनी चाहिए, विश्रृंखला जीवन नहीं होनी चाहिए, यही से उन्होंने प्रारंभ की। फिर उसको बाद में बोले जो कुछ हम जीवन में करते हैं, जत करोसी जत स्नासी जत जोहोसी ददास जत, जीवन में तुम जो कुछ करते हो सब कुछ भगवान का अर्पण करो, ठाकुर जी का अर्पण करो सब कुछ। जब उन्होंने कृष्ण अर्पण करो, बोले हाँ तुमने बोले हो कुछ, लेकिन
ये जीव का चरम लक्ष्य नहीं, बोले क्योंकि हम जो कुछ पहले करते हैं वो हो गया मैं करने वाला, हाँ? मैं कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं साफ कर रहा हूं, मैं रसोई बना रहा हूं, मैं ये सब कुछ करके फिर लास्ट में कहते कृष्णा हम तुम्हें सब अर्पण कर दिया। यहाँ पर जो मैं जो पण आ गया, कहती ये शुद्ध भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति उसे कहते हैं पहले गुरु जी की शरण में, पहले ठाकुर को शरण में चले जाओ पूरा। आज से ठाकुर जी मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, हाँ? इसलिए ठाकुर का सेवक बन करके फिर हम जो कुछ करेंगे भगवान के लिए करेंगे, ठाकुर के लिए सब कुछ करेंगे। इसलिए बोले भैया ये भी बाहर का चीज, इसको आगे बोलो। फिर महाप्रभु बोले देखो कि जो जितने ये कर्म है जो दैव वर्णाश्रम है उसको ऊपर में उठाओ, इसलिए जितने सारे कर्म को त्याग दो। इसलिए उन्होंने गीता का एक श्लोक उन्होंने बताए, हाँ? भगवान कृष्ण गीता में कहते अर्जुन मैंने जो जो बात तुम्हें बताया उसका 200 गुण विचार करके जो मेरा भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते मैंने बताया इसलिए बोले नहीं भगवान तो बोले करो नहीं, गीता में कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। इसलिए ये चीज को विचार करके अच्छे तरह से विचार करके जो करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने बोले कृष्ण जो गीता में बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सर्वधर्मान मतलब ये जो संसार का जो धर्म है, दैव वर्णाश्रम जो धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ, ये जितने सारे धर्म हैं, ये धर्म को छोड़ करके क्या करो, माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में तुम आ जाओ। इसलिए जितने कर्म को क्या करो, त्याग दो। जब उन्होंने ये बात बताए बोले ये भी बाहर का विषय है, अभी तो तुमने कर्म को त्याग दिया हो, आगे नहीं बढ़े हो, इसकी आगे और कुछ बात बताओ। तो उन्होंने ज्ञान मिश्रा भक्ति की बात बताई, ज्ञान युक्त भक्ति, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचन्ति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभेत परम। जो व्यक्ति कहते अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म, मैं वही ब्रह्म हूँ, सब कुछ ब्रह्म है, दुनिया में सब कुछ ही ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म ही ब्रह्म है, हाँ? कहते ऐसे जो व्यक्ति वो संपूर्ण हर समय अपना ब्रह्म चिंतन करता है और उसमें एकदम प्रसन्न होकर रहता है, उसका कोई दुख कष्ट नहीं, न सोचति न कांक्षति, उसका कोई चिंता भी नहीं, कोई इच्छा भी नहीं, हाँ? और समा सर्वेषु भूतेषु सब जीवों में भगवान को दर्शन करता है, सबको भगवान की, हाँ? सब जीवों में भगवत दर्शन करता है। ऐसे जो व्यक्ति है वो धीरे 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 कभी भगवान की भक्ति को पराभक्ति को प्राप्त करता है। जब महाप्रभु बोले बोले भैया ये भी बाहर का विषय है, ये भी बाहर का विषय, बोले बाहर का विषय क्यों, बोले बोले कारण है जो जीव है, हम जीव कौन है, बोले जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं मम ही बांस जीवो लोक जीव भूत सनातन, जो जीव है सबके सब मेरे अंश, सारे के सारे सब जीव है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर जीव का स्वरूप धर्म नहीं, वो अपना ब्रह्म मान रहा है, हाँ? इसलिए भैया इसलिए कृष्ण इसलिए हमारे रूप गोस्वामी बोले अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशलन भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति क्या है, बोले जितने सारे अभिलाषों को छोड़ करके, कृष्ण भक्ति प्रतिकूल के सारे अभिलाष को छोड़ करके ज्ञान कर्म के द्वारा भक्ति आवृत नहीं होनी चाहिए, और भगवान जैसे प्रसन्न हो, ठाकुर कैसे खुशी होगी उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो अनुकूल रूप में उनकी सेवा करते हैं, कहते ये उत्तमा भक्ति। बोले इसलिए इसको बाहर बोल दिए। जब बाहर बोल दिए फिर उन्होंने एक श्लोक बोले, जो श्लोक सुनकर महाप्रभु बोले हाँ अभी तुमने लाइन में आए हो, हाँ? अभी तुमने लाइन से बाहर चल रहे थे, अभी तुम लाइन में आए हो, ठीक है? ये श्लोक को याद कर लेना, ठीक है? ये श्लोक कोशिश करना, ये श्लोक याद करने के लिए बहुत अच्छा श्लोक है।
बोले ज्ञानी प्रयास मधुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिताम श्रुतिगतां तन्वान मनोभी जो प्रायस अचित जितो स्त्रोलोक्या। इस श्लोक का मतलब है भगवान का एक नाम है अजीत। अजीत मतलब होता है जिनको जीतना बा जिनको पाना बड़ा ही कठिन है। हैं क्या इसका जिनको पाना कठिन है तो इसका मतलब वो ठाकुर मिलेंगे नहीं, है ना। ठाकुर का नाम अजीत है, उनको कोई जीत नहीं सकते, उनको कोई पा नहीं सकते। प्रश्न होता है क्या फिर ठाकुर हमें मिले नहीं, नहीं। इसमें बोले प्राय स, यहाँ पर प्राय करके प्राय अक्सर करके उनको पाना कठिन है लेकिन वो मिलेंगे। बोले कैसे, तो उसका उपाय ब्रह्मा जी कह रहे हैं। बोले ज्ञान प्रयास मुतपास्य, पहले ज्ञान का चेष्टा छोड़ो। जैसे मैं ब्रह्म हूं, हाँ, सब ब्रह्म है, बोले ये चीज को संपूर्ण रूप में त्याग दो। हाँ, इसलिए हमारे भक्ति रसामृत में सिंधु में बताए जो ये ज्ञान की जो चेष्टा है भुक्ति और मुक्ति को उन्होंने पिशाच शब्द बताया, पिशाच गुइस, हाँ, भूत है, हाँ, इसलिए उसको भूत को साथ में पिशाच को साथ में उदाहरण दिया ये भुक्ति मुक्ति। इसलिए भुक्ति मुक्ति ये भक्ति की प्रतिकूल है, हाँ? इसलिए इस सब चीज को छोड़ करके, हाँ, ज्ञान प्रयास क्या करना चाहिए। बोले नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम, जो भगवान की जो शुद्ध भक्त है, हाँ? ठाकुर जी का जो प्योर भक्त है ठाकुर जी की, उनको चरण में रहते हुए, हाँ? और उनकी मुखार बिंद से जो भगवान कथा की जो मंदाकिनी की नदी बह रही है, कहते वो नदी में स्नान करते रहो, कथा रूपी नदी उसमें उसमें गोता लगा दे रहो, हाँ? जब उसमें गोता लगाएंगे, बोले यहाँ बोलो सन्मुख रीतम भगवदीय वार्ता। भक्त भी तीन तरह के होते हैं, एक कनिष्ठ भक्त, एक मध्यम भक्त और एक उत्तम भक्त। तो चैतन्य चरितामृत में जो भक्त का निरूपण किया वो अलग है, और भागवत में जो तीन तरह का भक्त की बात बताया ना वो भी अलग है। चैतन्य चरितामृत में बताया कनिष्ठ भक्त कौन है, अच्छे तरह समझो। कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ समझता ना सबसे छोटे भक्त कौन है, बोले अभी जिनकी भक्ति पक्की नहीं है, डामा डोल सा है, हैं? जैसे भजन कर रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत कोई इधर उधर कोई बाधा विपत्ति आ जाए ना, भले ही कोई चीज को नहीं छोड़े, पहले भजन छोड़ दे, अपना खाना पीना नहीं छोड़ेगा, हैं? अपना श्रृंगार कुछ नहीं छोड़ेगा, लेकिन छोड़ेगा तो बोलेगा हम इतने ठाकुर जी को भजन किया, ठाकुर हमारे साथ में ऐसे किया, दिन रात पुकारता हूँ, उनको बुलाता हूँ, दिन रात सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, ठाकुर मेरे साथ में ऐसे किए हैं, इसलिए और कुछ चीज नहीं छोड़ेगा, अपना पहनना खाना पीना सब ठीक रहेगा, लेकिन पहले माला छोड़ देगा, भजन छोड़ देता है। इसलिए इसको कहते हैं कनिष्ठ भक्त है, कहते इसको मध्यम भक्त किसको कहते हैं, कहते मध्यम भक्त उससे कहते हैं अपना भजन को कम से कम अपना भजन को एकदम पका रखता है, भले ही जीवन में जो कुछ आ जाए, हाँ, भले ही जीवन में जो कुछ आए लेकिन अपना भजन कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु की भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा। सोचेगा जीवन में हमने जो कुछ किया अपना कर्म का हमने फल भोग किया है, कभी किसको पर दोष नहीं देगा, अपना दोष मान करके भगवान की भक्ति करते रहेगा, इसको कहते हैं मध्यम भक्त। कहते उसको उत्तम भक्त किसको कहते हैं, कहते उत्तम भक्त उससे कहते हैं अपना भजन भी जो ठीक ठीक रूप में कर लेते हैं, खुद तो अपना भजन करते हैं लेकिन दूसरों को भी समझा करके दूसरों को भी भगवान के भजन में लगाते हैं, खुद भक्ति करते हैं और दूसरों को भी भजन में उनको समझा बुझा करके दूसरों को भी भगवत भजन में जो अनुकरण करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं उत्तम भक्त, उनको बताया गया। और इगति चैतन्य चरितामृत में यहाँ पर बताए, और जो भागवत में बताए वहां पर भी जो कनिष्ठ मध्यम उत्तम, वहां पर भी तीन तरह का भक्तों का बताए। बोले कनिष्ठ भक्त कौन है, बोले अर्चया में वह रहे जब पूजा श्रद्धा रहते न तद भक्तेशु चान्यसु
सभक्त प्राकृत स्मृत। इसका मतलब है जो व्यक्ति जो ठाकुर का सेवा पूजा तो ठीक से करते रहे, ठाकुर का जो अर्चा विग्रह है, ठाकुर जी को साक्षात भगवान मानते हैं ठाकुर जी को, और उनकी जो सेवा पूजा को अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा पूजा जो करे है। लेकिन ठाकुर को सेवा पूजा तो ठीक से कर लेते हैं, लेकिन जितने भगवान को आदर देते हैं ना उतना भक्तों का आदर नहीं देते हैं, उतना भक्तों का आदर नहीं देते। इसलिए जिस समय भागवत में कथा आती है, पहले इंद्रद्युम्न महाराज ठाकुर का सेवा पूजा कर रहे थे, इधर आ जा, इंद्रद्युम्न महाराज ठाकुर की सेवा पूजा कर रहे थे पहले जन्म में। इतने में वहां पर अगस्त ऋषि जी आए, जब अगस्त ऋषि आए सोचे आए बैठ जाएंगे कोई बात नहीं, हम तो ठाकुर की सेवा पूजा कर रहे हैं ना, अब तो भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, साधु आए कोई बात नहीं बैठ जाएंगे, जब ठाकुर का सेवा पूजा हो जाएगा फिर साधु को अपने फिर हमने उनकी सेवा पूजा कर लेंगे। जब उनको आदर नहीं दिया ना ऋषि तो बिगड़ गए, लगता है तुम तो ठाकुर का सेवा पूजा कर रहे हो, लगता है ना किसी शुद्ध साधु की अनुगत में तुमने ये भजन नहीं सीखा, किसी शुद्ध साधु की अनुगत में तुमने ये भजन नहीं सीखे हो, इसलिए उनको अभिशाप दे दिया, बोले जाओ, जैसे हाथी है ना जब चलता है ना ऐसे ऐसे करके चलता है और किसको ग्राह्य नहीं करता है, बोले तुम्हारी व्यवहार हाथी जैसे, अगले जीवन में तो हाथी बन गए। फिर जब उन्होंने देखा जब अपराध हो गया फिर माफी मांगे, बोले उधार कैसे होगा, बोले देखो जब ठाकुर तेरे को उद्धार करेंगे, इसलिए फिर वो हाथी बन करके आए। फिर गजग्रह में जो युद्ध हुआ ना मगरमच्छ हाथी में, तब उन्होंने ठाकुर जी को एक फूल लेकर के जब ठाकुर जी को कमल पुष्प अर्पण किया तब ठाकुर जी आकर उद्धार किया, नहीं तो हाथी थोड़ी भजन थोड़ी करता है, एक हाथी थोड़ी कमल पुष्प देता है, बोले क्यों, बोले पूर्व जन्म में उन्होंने जो भजन किया था ना, कहते भजन जो चीज है वो कभी नष्ट नहीं होता है, पाप पुण्य ये दोनों नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो हम भजन कर रहे हैं ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं कथा सुन रहे हैं भक्तों का सेवा कर रहे हैं ये चीज कभी नष्ट नहीं होता है, ये केवल जन्म जन्मांतर में ये केवल संचय होता है, हैं? और फिर अगली जीवन में हमें फिर जहां तक हमने भक्ति की है फिर अगले जीवन में वहीं से फिर दोबारा हमारी भक्ति शुरू होगी, वहीं से शुरू होगी और वहीं से नहीं, इसलिए मीरा कहती है ना दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोल का ती मेरे सदा गुरु वस्तु अमोल का ती मेरे सदा गुरु कृपा करे अपना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो चोर नहीं लेवे लुट नहीं जावे चोर नहीं लेवे लुट नहीं जावे दिन दिन बढ़ता सवार पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो भक्ति है अगर भक्ति करते करते बीच में भले हमारी पतन हो जाए, बीच में भक्ति छूट जाए, मतलब कोई नुकसान नहीं तुम्हारी कोई हानि नहीं, अगले जीवन में फिर ब्याज समेत उतना नहीं जितने भक्ति किया वो तो मिलेगा ही और आपको इंटरेस्ट बस साथ मिलेगा अगले जीवन में। ये भक्ति ऐसे की चीज है, इसलिए कि हाथी होने पर भी ठाकुर जी को उन्होंने कमल फूल दिया कैसे, ये पूर्व जन्म का संस्कार है, पहले जीवन में उन्होंने भजन किया वो भजन उनको
मदद की है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं जो हाथी कदी, ये कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी कौन है, जो भगवान को तो भगवान मानकर खूब भक्ति करते भजन करते लेकिन भक्तों को संतों को आदर नहीं देते, इसको कनिष्ठ अधिकारी बताए। लेकिन जो मध्यम अधिकारी बोले उनके अंदर में चार गुण होता है, बोले ईश्वरी तद अधिनेशु बाली से शुद्ध सच प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा ज करोती समध्यम। उनके अंदर में चार गुण होता है, बोले ईश्वर बोले भगवान में वो प्रेम करते हैं और तद अधिन जो भक्त है उनके साथ में उनकी मित्रता है, वो जितने भगवान को महत्व देते हैं उससे ज्यादा महत्व देते हैं भक्तों को। हाँ, भक्त ईश्वर तथा अधिनेशु दिशस प्रेम मैत्री कृपा कर, जो बाली सी है जो अज्ञा है उनको ऊपर में कृपा करते हैं और जो विद्वसी उनसे दूर रहते हैं, जो विद्वसी हैं दुष्ट उनसे दूर रहते हैं। यदि ये मध्यम अधिकारी भक्तों का लक्षण है, कद जो उत्तम अधिकारी कद उनको क्या लक्षण है, बोले सर्वभूतेषु जो पश्येत भगवत भावात्मा, हर जीव के अंदर में जो परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हुए हैं सभी का हृदय में जो भगवत दर्शन करता है। कहते स्थावर जंगम देखे नादेख तार मूर्ति सर्वत्र स्फुरेतार इष्ट देव मूर्ति, स्थावर जंगम पेड़ पौधा नहीं देखते हैं, उनका हृदय में जो भगवान बैठे हुए परमात्मा रूप में सभी के हृदय में भगवान दर्शन करते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। इसलिए वो किसको निंदा चर्चा नहीं करते, बोले क्यों नहीं करते, बोले जब सबका हृदय में ठाकुर जी बैठे भरी निंदा किसको करते हैं। साधारण व्यक्ति वो निंदा चर्चा करते हैं क्योंकि उनको इतने महत्व नहीं ना, और उत्तम अधिकार देखिए सबका दिल में ठाकुर ही ठाकुर, जब सबका हृदय में ठाकुर भरी निंदा किसको करेंगे भरी। इसलिए वो भी प्रतिकूल व्यक्ति को भी ठाकुर का अनुभव, जैसे नारद जी कंस है लेकिन वो क्या देख रहे हैं, बोले भैया ये तो कृष्ण का परम भक्त है, वो कंस को भी भक्त रूप में देखते हैं। बोले क्यों, बोले अगर कंस नहीं होता कृष्ण का इतना लीला कैसे होता, कृष्ण लीला में उसने मदद कर रहा है ना, उतना को भेजा अघासुर को भेजा त्रिणाव्रत को भेजा, अगर वो नहीं भेजता हम अभी जो इतना कथा कैसे सुन सकते हैं। इसलिए बोले ये सबको भगवान की भक्त रूप में सबको वो दर्शन करते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए जब उन्होंने श्री राय रामानंद बताए ज्ञान प्रयास मुदुपास नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भगवद्य वार्ता, यहाँ पर बता रहे थे साधुओं की जो मुखार बिंद से भगवत कथा रूपी जो मंदाकिनी की नदी बहती है, कहते अभी निर्भर करता है कौन साधु कितने उच्च है, ये ऊपर बहुत निर्भर करता है। हाँ? जितने हमें उच्च साधुओं से जितने जिसका हृदय में जितने भगवान के प्रति भावना हो। हाँ? इसलिए भागवत में बताया सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, कहते भैया भागवत तो रसी रस है, भागवत क्या है रसी है, पूरा ही रस जिसमें छिलका भी नहीं और जिसमें गुठली नहीं, केवल रसी रस उसमें और कुछ में है ही नहीं, केवल रसी रस है, लेकिन वो रसी तो रस है ही है। लेकिन कहते भैया जब सुखदेव गोस्वामी की मुखार बिंद से जब ये कथा निकली ना फिर उसमें इतने स्वाद आ गया, बोले क्यों, बोले ऐसे क्यों, कारण क्या, बोले कारण है जो सुख है ना वो कोई साधारण सुख नहीं था, बोले कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवास। कदी ये सुख कोई साधारण नहीं, राधा रानी का जो निकुंज महल है, कदी निकुंज महल में रहने वाले, हाँ ये राधा रानी की और उनकी सारी लीलाओं को जो दर्शन की। और यहाँ पर कह रहे कभी कभी राधा रानी ना ये जो सुख को, सुख समझते नहीं प्यारे जो तोता है, कहते और कभी कभी राधा रानी जो तोते को कृष्ण रूप मान करके ना कभी कभी उसको चुंबन करती थी। तोते को राधा रानी कभी चुंबन करती थी कृष्ण मान करके, राधा रानी जब चुंबन करेगी क्या होगा, राधा रानी की जो अधरा मृत है प्रसाद है अभी सुख का चोच में लग गया, उनको चोच में लगा
जब ऊपर जब कथा की, वो कथा क्या होगा, राधा रानी का जो अधरामृत लगा हुआ ना, वो कथा राधा जी की अधरामृत युक्त कथा है। इसलिए जब श्री परीक्षित महाराज 88,000 ऋषियों को जो प्रश्न किए, जीव का परम कल्याण किसी में है, वहां पर सुखदेव गोस्वामी के पिताजी, उनको पिताजी, उनको पिताजी, उनको पिताजी बैठे हुए थे, और सुखदेव गोस्वामी सबसे छोटे थे, और वहां पर सबके सब उनके बड़े थे सबके सब, लेकिन कथा किससे सुने, ये सुखदेव गोस्वामी से। वहां पर बड़े बड़े जो उनके पिताजी के पिताजी, हजार हजार साल की, 10,000 साल के, 50,000 साल की, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए, ये सबसे छोटे 1216 साल की, लेकिन कथा इनसे सुन रहे थे। बोले क्यों, कारण, बोले कारण है ये राधा रानी की प्रिय सुख है, राधा रानी की पालता सुख है, राधा रानी की निकुंज महल में सुख, सारी लीलाओं को जिसने दर्शन किए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कथा तो मीठा है ये कथा, लेकिन ये कथा बोले सुख मुखात अमृत, इसका मतलब है जब किसी शुद्ध भक्त की मुंह से ये कथा निकले, वो कथा में और रस आता है। लेकिन निर्भर करता है जो जितने उन्नत वैष्णव होगा, जो जितने अनुभूति संपन्न भक्त होगा, उसकी कथा उतना प्रभाव पड़ता है। हाँ? एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान तो जैसे शास्त्र को रख लिया, कहते हैं ज्ञान, विज्ञान मतलब होता है जो सचमुच से भजन करते हैं। हाँ, भजन करते हुए जिनके हृदय में कोई अनुभूति हो, हाँ, जो अनुभूति हो। लेकिन जैसे भागवत में तो कथा लिखा हुआ, फिर हम वैष्णव से कथा क्यों सुनते हैं, कारण क्या? बोले कारण है जब हम वैष्णव से कथा सुनते, उनके हृदय में जो भगवान के प्रति उनका जो प्रेम है, वो जो कथा है ना, वो प्रेम युक्त कथा होता है, वो प्रेम युक्त कथा होता है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी एक अच्छा उदाहरण दिया, मैंने पहले बताया और सुना देता हूं। कहते ऐसे कुछ वृक्ष है, ऐसे कुछ पेड़ है, आप वो पेड़ से डायरेक्ट अगर बीज को लेकर के बोओगे ना, वह पेड़ नहीं होगा। ऐसे कुछ वृक्ष है, समझ रहे हो कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंड? कहते ऐसे कुछ वृक्ष है, जिसको वृक्ष से डायरेक्ट उसका बीज लो ना, अब बोलो वो वृक्ष नहीं होगा। आप बता सकते हो कौन सा वृक्ष है, कौन सा ऐसे वृक्ष है जो डायरेक्ट पेड़ से अब बीज लगकर वो होगा ना, वो वृक्ष नहीं होगा। बताओ कौन सा ऐसे वृक्ष है, आप तो रह रहे हो कहां पर, हलाने में, वो वृक्ष यहाँ है ही नहीं। वो वृक्ष आपको मिलेगा सुरीनाम, वो वृक्ष आपको मिलेगा सुरीनाम में, नहीं तो वृक्ष मिलेगा इंडिया में। इसलिए आप वो वृक्ष देखे ही नहीं, फिर आप बोलोगे कैसे? हाँ, इसलिए कहते हैं विशेषकर दो वृक्ष है और भी बहुत सारे वृक्ष। एक वृक्ष है बरगद, बनाना ट्री, और बेनियान, बनाना नहीं बेनियान, बरगद, हाँ बरगद, हाँ, और एक है पीपल ट्री। हाँ, कहते ये जो दो वृक्ष है ना, अब कभी भी ये दोनों वृक्षों को नीचे ये वृक्ष कभी आप नहीं देखोगे। हाँ, वो वृक्ष कहीं देखोगे, किसी छत को ऊपर देखोगे, नहीं तो किसी पेड़ के ऊपर देखोगे, ये कभी वृक्ष को नीचे नहीं मिलता है। बोले ऐसे क्यों, बोले ऐसे क्यों, बोले इसका कारण है वो वृक्ष का एक नियम है। हाँ, कहते वो वृक्ष का जो बीज को जब कोई चिड़िया खाए, अब उसको पेट में वो बीज जाए, उसको पेट में ऐसे कुछ रस है जो वो जो बीज में अंकुर देने का, वृक्ष देने का शक्ति प्रदान करता है। इसलिए आप लोग तो सुरिनाम में, आप तो सुरिनाम में रहे नहीं, इसलिए वो वृक्ष है ना, आप देखना किस छत के ऊपर में वृक्ष हो जाता है, पत्थर के ऊपर में वृक्ष है। देखो एक वृक्ष बनने के लिए तीन चीज की जरूरत है, एक मिट्टी चाहिए, एक वायु चाहिए और एक पानी चाहिए। तीन चीज मिलेगा तभी कहीं ये वृक्ष होता है, नहीं तो वृक्ष नहीं होगा। लेकिन आप देखोगे वहां पर पत्थर के ऊपर में, छत के ऊपर में, जहां पर सीमेंट के ऊपर में भी वृक्ष होता है, और इतने जोर जबरदस्ती होता है वो पेड़, जो ये है ना, जो दीवार को फाड़ करके हो जाता है, दीवार को फाड़ देता है, इतनी शक्ति उसका अंदर में आ जाती है। बोले ऐसे क्यों, कहते इसका कारण किया है,
हरे कृष्णा, बोले इसका कारण क्या कारण है? हाँ, इसका कारण बता रहे का, तो उसी तरह हमारा हृदय निरस होने पर भी, हमारा हृदय शुष्क होने पर भी, अगर किसी शुद्ध वैष्णव से जब हम कथा सुन लेते हैं, ऐसे कोई अच्छे कोई भक्तों से कथा सुन लेते हैं, उनका कोई संग मिल जाता है ना, हमारा हृदय शुष्क होने पर भी, निरस होने पर भी, हमारा हृदय को सरस बना देते हैं। जैसे श्री नारद जी, नारद जी जब वो व्याध को साथ में मिले, सुने होंगे हंटर को साथ में मिले, जो जानवर को आधा मरा करके छोड़ देता था, वो बोलता था बड़े खुश होता है, आनंद लगता है, तो देख रहे हमें आनंद लगता है, हैं? लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी नारद एक बार मिले तो इतने बड़े संत बना दिए, वाल्मीकि जैसे, हैं? ये वाल्मीकि इतना पापी था, इतने ब्राह्मण को हत्या की, बोले जरने से कुआ भर गया था, लेकिन नारद जी के बोले एक बार मिले, बोले राम बोलो, लेकिन इतना बड़ा पापी था, उसको मुंह से राम ही नहीं निकला, बोले तू बोलता था मारो मारो, मरा मरा तो बोल सकता हूँ, बोला मरा मरा तो बोल सकता हूँ, इसलिए मरा 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 मुझे अपने आप, इसलिए उल्टा नाम जपते जग जाना वाल्मीकि है ब्रह्म समान, राम आने से पहले रामायण लिख दिया है, साधु संत की इतने महिमा। इसलिए यहाँ पर श्री राय रामानंद जब बोले सन्मुखरी तम भव दिय वार्ता, जब हम साधु संग करेंगे, उनकी मुखार बिंदे से जब भगवान की कथा श्रवण करेंगे, हाँ, भव दिय वार्ता, भगवान उनकी भक्त की कथा सुनेंगे, जे प्रायस अजीत क्या, उनका नाम तो अजीत ठाकुर जी का नाम है, लेकिन जब हम वैष्णव का संग करके कथा सुनेंगे, वो अजीत होने पर भी जीत हो जाएंगे, उनका हम प्राप्त कर सकते हैं, हाँ? इसलिए जब उन्होंने ये बात सुनाई ना, महाप्रभु ने, हाँ अभी तुम लाइन में आ गया, अभी तुमने लाइन से बाहर जा रहा था, अभी तुमने लाइन में आ गए, जब बोले बोले उसको आगे बोलो, अभी जब तुमने लाइन में आए ना, फिर तुम उसके आगे की बात बताओ, फिर उन्होंने बताई, बोले देखो अगर उन्होंने वहां पर उसको बाद में दो श्लोक उन्होंने बताए, दो श्लोक में एक श्लोक में ये बता रहे हैं, अगर तुम्हारे सामने बढ़िया सुंदर खाना रखा हुआ, पिज्जा पास्ता टप्पू और क्या क्या बनाते सब बढ़िया बढ़िया खाना, कढ़ी चावल और राजमा और क्या क्या बनाते हो, जितने जितने बढ़िया तुम्हारे सामने बढ़िया बढ़िया कहीं खाना रखा हुआ, हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे पेट में भूख नहीं, तुम्हारे पेट में भूख नहीं ना, बोले खाओगे फिर पूछेंगे आज क्या क्या बनाया, बताओ आज क्या क्या बनाया, अगर भूख होगा ना वो ये नहीं बताया क्या क्या बनाया, हाँ, अगर भूख लगता होगा भैया जो सामने है वही लाओ, सूखा रोटी क्यों नहीं हो, हाँ, सूखा रोटी क्यों नहीं हो, और चावल हाँ पका हुआ नहीं क्यों नहीं हो, कुछ भी हो, बोले भैया भूख लग रहा है सामने पर ही लाओ, हाँ भूख लग रहा है मत पूछो क्या बनाया है, इसलिए निर्भर किसको ऊपर करता है, निर्भर करता है भूख ऊपर में, हाँ, तुम्हारी भूख ऊपर में, अगर भूख है फिर तो खाना जितने हो बढ़िया बनाया, अगर भूख नहीं हो, अगर बढ़िया बढ़िया खाना बना दिया ना, वो प्रेम से खाएगा नहीं, बोले कैसे बना, वो बोलेगा नहीं, लेकिन अगर भूख हो ना, आज कितना बढ़िया बनाया, एकदम चकाचक प्रसाद बना है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि उसी तरह ठाकुर जी को हम तरह तरह का चीज से सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं, फूलों की माला बनाकर दे रहे हैं, ठाकुर जी को कर रहे हैं, लेकिन अगर हृदय में भावना नहीं ना, हृदय में अगर प्रेम नहीं, फिर तो सब बेकार है, इसलिए बोले सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, प्रेम के बसा अर्जुन रतहां को, प्रेम के बसा अर्जुन रतहां को, भूल गए ठाकुराई ओ, भूल गए ठाकुराई, सबसे ओ
प्रेम सगाई सबसे रोते प्रेम सगाई प्रेम के बस अर्जुन रहा को प्रेम के बस सब जीते पुखाए बहुविध स्वाद बताई बहुविध स्वाद बताए सबसे ओ प्रेम सजाई सबसे ओ प्रेम सजाई से सबसे उचित क्या है प्रेम है प्रेम अगर नहीं है ना इसलिए भगवान यहाँ उदाहरण देते हैं देखो भगवान प्रेम में बसे हो तो फिर क्या नहीं करे कहाँ भगवान होकर के अर्जुन का सारथी बन गए भगवान प्रेम का वशीभूत होकर के जब सबरी को पास में गए वो पहले झूठा बेर खा खा करके ठाकुर को खिला रही थी भगवान कह रहे थे सबरी आज तुम्हारी झूठे बेर में जो आनंद आया ना मेरे को वैकुंठ में रानियां कितने छप्पन भोग 36 व्यंजन बनाती वो आनंद वैकुंठ में नहीं आया आज तुम्हारी झूठे बेर में जो आनंद आया है और भगवान प्रेम में वशीभूत होकर क्या किया उन्होंने विदुर को घर में गए दुर्योधन ने छापान भोग 36 व्यंजन बना कर रखा था सोच रहा था कृष्ण को खिला पिला के मैं खुश कर दूंगा और अपना अपना उसको अपना पक्के में कर दूंगा जब कृष्ण वहां पर गए बोले पंच पांडव के लिए ज्यादा कुछ जरूरत नहीं केवल उनको 5 गांव दे दो क्यों बेकार लड़ाई झगड़ा करोगे भाई भाई में 5 गांव दे दो बोले 5 गांव बगैर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी हम जमीन देने के लिए तैयार नहीं 5 गांव 5 गांव की बात बता रहे हो तब बोले कृष्ण चलो पहले भोजन कर उसके बाद में बात करेंगे कृष्ण ने कहा देखो 3 जगह पर भोजन की जाती है पहला जगह है अगर कोई मित्र हो ना अपने भोजन कर लो बोले क्या मैं आपका मित्र नहीं क्या मैं तुम्हारा शत्रु कृष्ण बोले देखो ये पांडव मेरे भक्त है मेरे भक्तों का जो दोस्त है ना वो मेरे मित्र है और मेरे भक्तों का जो शत्रु वो भी मेरे शत्रु है दूसरे जगह पर खाई जाती है अगर भूख लगे भैया भूख लग रहा है फिर जो कुछ बना गया हाँ भगवान तो आत्मा राम आप तो का मेरे को तो भूख है ही नहीं हाँ और तीसरी जगह पर खाई जाती है जिस काम के लिए आप आए हो अगर वो काम बन जाए ना बोले भैया जिस काम के लिए आए काम बन गया कोई बात नहीं खुश हो जाते हैं ला कुछ खा लेते हैं हमारा काम हमारा तीनों कुछ कहा कुछ ही नहीं हुआ इसलिए हम भोजन कैसे करेंगे इसलिए उन्होंने भोजन नहीं किया कहाँ गए विदुर जी को घर में गए विदुर नहीं थी विदुरानी उन्होंने किले का छिलका उन्होंने खिलाया ठाकुर खुश कर खा रहे थे जब थोड़ी देर बाद में विदुर आए बोले पागली क्या कर रहे हो भगवान को केले का छिलका खिला रहे हो वो तो होश थी नहीं वो तो प्रेम में खिला रहे थे ठाकुर खा रहे थे फिर विदुरी फिर सब विदुरानी फिर केले खिलाना शुरू की कृष्ण ने कहा विदुर केले के छिलका में जो आनंद आ रहा था ना वो केले में आनंद नहीं आ रहा है मैं केला भी नहीं खाता और छिलका भी नहीं खाता मैं तो बोले प्रेम ही भोजन करता मैं और किसी चीज ही खाता ही इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई इसलिए भगवान प्रेम में वशीभूत होकर उन्होंने क्या क्या उन्होंने नहीं किया बोले ताते झूठन पत्तल उठाई राजस्व यज्ञ में सबके सब बड़े बड़े सेवा बांट लिया सबसे घटिया दो सेवा रहेगी एक पत्तल उठाना और दूसरे हैं ज्योति संभालना ब्राह्मण का चरण धोना कृष्ण कहते वो दो सेवा मैं कर लूंगा इसलिए भगवान प्रेम में वशीभूत होकर के क्या नहीं करते हैं इसलिए जब राय रामानंद ने ये चीज को उदाहरण दिया ना महाप्रभु खुश हो गए हाँ कभी ये हाय बोले हाँ ये है ये है तुम अभी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हो इसलिए बोले उसको आगे की बात बताओ जो आगे की बात बताए यहाँ पर दो तरह का भक्ति बताए एक वैधि भक्ति और एक राग भक्ति यहाँ पर राग भक्ति की बात आई है यहाँ पर और बोले कृष्ण रस भाविता मती क्रियताम कुतोपि यदि लभ्यते तत्र लौल्यं मूल्यं मेकलं कोटि सुकृतिरपि लभ्यते यहाँ पर साधु संघ की और महिमा बता रहे हैं देखो अगर किसी भाग्य से अगर ऐसे भक्त आपको मिल जाए बोले कैसे भक्त बोले कृष्ण रस भाविता मती गुरुदेव उदाहरण देते थे जैसे रसगुल्ला है ना जैसे गुलाब जामुन है
जैसे उसका कण कण में रस भरा हुआ है, उसका कण कण में रस भरा, पूरा ही रस ही रस है। जैसे नहीं तो कोई रूई को लेकर के जैसे किसी पानी में डुबो दो, उसका कण कण में पानी भर जाती है। अगर किसी भाग्य से तुम्हें ऐसे भक्त अगर मिल जाए जिसकी कण कण में भगवान बैठे हुए, जिसको संपूर्ण उसी रहस्य में जो डूबा हुआ अगर कोई भक्त मिल जाए ना, बोले भैया अगर गला काट करके भी अगर ऐसे संग मिल जाए तो उसको खरीद कर लो जल्दी, जो चीज खरीद कर लो। बोले क्यों? बोले कोटि सुकृति अपन लभ्यते, कहते भक्ति कब होता है? कहते सत्संग प्राप्त ही पूर्व सुकृत ही पूर्व संचित, कहते पूर्व पूर्व जन्म का सुकृति से ही हमें ये साधुओं का संग मिला, भक्त संग हमें मिल गया है, सुकृति से मिला। लेकिन ये साधु संग के इतने प्रभाव, अगर ऐसे कोई साधु तुम्हें मिल जाए, अगर तुम ऐसे साधु का संग करोगे ना, बोले भैया करोड़ करोड़ सुकृति से जो चीज नहीं मिलेगी, ऐसे साधु संग से वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। साधु संग की इतने महिमा, इसलिए महाप्रभु कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि आए। इसलिए हर शास्त्र कहता है भैया साधु संग करो, बिनु सत्संग विवेक ना आवे, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। इसलिए जब उन्होंने ये बात बताए, महाप्रभु बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, हैं बड़े प्रसन्न होकर के बोले हाँ, बोले इसकी और ऊपर की बात बता। जब बोले कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया अभी, कितना टाइम हो गया, बोले साढ़े नौ हो गया, कितना हो गया, साढ़े सब खत्म कर देते, फिर कल सुनेंगे हरे कृष्णा, फिर कल सुनेंगे उसको ऊपर क्या बोल रहे हैं। समय हो गया नहीं, अगर आप बोलना आप बोलोगे सुनोगे तो मैं तो बहुत सुना सकता हूँ, और एक दो तीन घंटा सुना सकता हूँ। लेकिन आप लोग देख लो, ऐसे नहीं कल फिर आप काम में जाओगे, सुनना चाहो तो मैं सुना सकता हूँ, सुनोगे कि जाओगे? इंडिया का है, इसको जाना है। हाँ इनको जाना है, कहाँ जाना है? हाँ अगर लेट हो जाता है तो ये बहुत परेशान हो जाए। आपको दूर जाना है ना, कहाँ जा रहे? आप कार में जाओगे? नहीं, ये छोड़ कर जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर कल सुनेंगे। ठीक है, और जो बाकी रह गया ना, लास्ट जो पार्ट बाकी रह गया, सबसे रस बाकी रह गया। तो लगा कुछ नहीं सुना। हरि अनंत हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंत, इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंत। हाँ कल सुनाएंगे ना, मैं कल पूरा कल पूरा कल जल्दी आ जाना, कल कथा खत्म कर दूंगा। सबको प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ठीक है, चलो आरती करना है, आरती करोगे? ठीक है, आरती कर लो। हरे कृष्णा पिता गौर प्रेमानंदे हरि Thank you.